हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल गुरु एसजे। दोस्तों, आप एक बात बताइए, आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है क्या? यदि आपका वह केस चल रहा है, चाहे वह आपराधिक प्रकृति का हो, मतलब क्रिमिनल केस हो, या आपका हो वह सिविल केस, मतलब जमीन जायदाद से संबंधित केस हो, तो आपको इसके लिए आवश्यकता होती है अपने केस के स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। मतलब आपके केस में आपको किस दिन उपस्थित होना है कोर्ट में, और आपके केस में क्या चल रहा है, मतलब आपके केस की स्टेज क्या है, मतलब कब इस पर जजमेंट होना है या कब इसमें गवाही होना है, क्या स्टेज चल रही है आपके केस की। इस सब की जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए अभी आपको अपने वकील से कॉन्टैक्ट करना होता है, और यदि उससे आपको जानकारी नहीं मिल पाती है कभी कभी किसी समय में, तो आपको फिर इसके लिए आपको जाना होता है अपने कोर्ट में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अब आप घर बैठे ही हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐप लॉन्च किया है ई कोर्ट सर्विस, इसके द्वारा आप अपने मोबाइल में ई कोर्ट ऐप को आप डाउनलोड करके और आप यहाँ पर अपने घर बैठे ही सारे अपने केस की जानकारी यहाँ पर जान सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से हमें यूज़ करना है, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के ऐप्स और आपको यूट्यूब टिप्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम घर बैठे ही अपने इस ऐप के द्वारा हम अपने केस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जजमेंट की कॉपी भी इस ऐप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यदि आपके केस में जजमेंट हो गया है, तो उसकी कॉपी के लिए अब आपको और परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। इस ऐप के द्वारा ही आप अपने केस स्टेटस को देखते हुए नॉर्मली, और आप उसको एक पीडीएफ के रूप में अपने जजमेंट को भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यह ऐप यूज़ करना है, किस प्रकार से यह ऐप वर्क करता है। दोस्तों, अपने केस स्टेटस को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ई कोर्ट नाम से ऐप। आपको यहाँ पर टाइप करना है ई कोर्ट, और जैसे ही यहाँ पर आपका ई कोर्ट ऐप पर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ई कोर्ट सर्विस। आपको करना है इंस्टॉल, और हम करते हैं इंस्टॉल पर क्लिक। इसके बाद में ये प्रोसेस आपकी वर्क करेगी, थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि यहाँ पर डाउनलोड होने में समय लगेगा। दोस्तों देखिए, अब ये इंस्टॉलिंग की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अब तो अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ओपन का ऑप्शन, अब हमें ओपन पर करना है क्लिक। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें इसका इंटरफेस देखने को मिलता है ई कोर्ट का। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर देखने को मिलती है थ्री लाइन्स, जिन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, उसके बाद अबाउट अस, मतलब इसके बारे में, ऐप के बारे में, उसके बाद सी एन आर, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, माई केस, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनको आपको अभी यूज़ नहीं करना है। आपको जो यूज़ करना है वो यहीं पे होम पेज पे आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन सी एन आर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी केस होता है, जो भी आपका प्रकरण है, उसको जब रजिस्टर्ड किया जाता है, तो वहाँ पर एक सी एन आर नंबर जनरेट होता है, जिसको आपको यहाँ पर, अगर आपको सी एन आर नंबर पता है, तो आप उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका सी एन आर नंबर है। उसके बाद में आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो आपकी फाइल डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। सेकंड ऑप्शन होता है कि यदि आपकी फाइल के साथ में क्यूआर कोड आपको दिया गया है, तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड पर, और जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो उससे भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं अपने केस के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही चीज़ें आपको, अधिकांश लोगों को पता नहीं होती हैं, तो अब हम क्या करें। तो इसमें आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि आपको केस नंबर तो पता ही होता है, अधिकांश लोगों को अपना केस नंबर पता रहता है, क्योंकि आप जब भी आपको केस नंबर से ही आप अपने कोर्ट में जाते हैं, उसमें आप बताते हैं कि इस केस नंबर में हमें अपनी जानकारी लेना है या हम पक्षकार हैं, तो हम उस केस नंबर को सभी लोगों को, अधिकांश लोगों को पता ही होता है। तो अब हम उसको कैसे सर्च करें, तो यहां पर हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है केस स्टेटस का। हम करते हैं केस स्टेटस पर क्लिक। यहाँ पर हमें फर्स्ट रहता है कि हमें अपने राज्य को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पर हमें अपने जिला सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं भोपाल को।
उसके बाद में अब हमें यहाँ पर केस नंबर को एंटर करना होता है कि हम किस केस नंबर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें केस नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा। केस नंबर के लिए सबसे पहले हमें, हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है कोर्ट कॉम्प्लेक्स। आपको यहाँ पर कोर्ट, कहाँ के कोर्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यदि कोई तहसील है वहाँ पर आपका कोर्ट है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भोपाल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भोपाल है, उसके बाद में सिविल कोर्ट बैरसिया है, और इसके बाद में फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट भोपाल फैमिली कोर्ट भी है। तो यहाँ पर आपको जिसमें से भी आपको संबंधित केस की जानकारी चाहिए, जहाँ पर आपका केस चल रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पर हम करते हैं क्लिक। उसके बाद में केस टाइप, आपका क्या केस है, मतलब आपका जमानत संबंधी है या आपका कोई सेशन ट्रायल है, आपका एक RCT है, मतलब आपका यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चल रहा है, या आपका ADJ कोर्ट में केस चल रहा है। आपका जो भी केस टाइप है भाई, आपको पता होता है। यहाँ पर अभी हम जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हम बेल को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है बेल एप्लीकेशन, आपको इसको सिलेक्ट करना है। आप अगर आपकी अपील है तो आपको अपील सिलेक्ट करनी होगी, अगर आपकी रिविजन है तो आपको रिविजन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका MCC है, मोटर दुर्घटना से संबंधित है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी MJC है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार की लिस्ट दी गई है, आप जो भी आपकी केस की प्रकृति है, केस का जो नेचर है, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं बेल को। हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया बेल, और उसके बाद में यहाँ पर हमें दोस्तों यहाँ पर हमें एक नंबर एंटर करना है, जो भी हमारे केस का नंबर है। आपके जो भी केस का नंबर हो आपको उसको एंटर करना है। यहाँ पर मैं भी एक केस का नंबर एंटर कर रहा हूँ, मैंने इसको ब्लर किया हुआ है ताकि इसकी गोपनीयता बनी रहे केस की। तो चलिए एंटर करते हैं इस नंबर को। उसके बाद में हमें यहाँ पर ईयर, हमारी किस ईयर की हमारी बेल है, तो यहाँ पर अभी 2020 की ही बेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। आपका केस 2014 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 2001 का भी, जिस सन का भी आपका केस है आपको यहाँ पर उसको एंटर करना है। अभी हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं 2020 को, और अब हमें करना है गो पर क्लिक। हम जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक केस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम इस जो ब्लैक में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भोपाल, और यहाँ पर वन, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें केस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर उसका केस में जो भी पक्षकार है उनका नाम हमें देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर ब्लू लाइन से जो केस नंबर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वह केस नंबर, हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम जानकारी उस केस नंबर से संबंधित मिल जाती है। आपको यहाँ पर फाइलिंग नंबर भी देखने को मिल जाता है, फाइलिंग डेट भी देखने को मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो कि केस नंबर कहलाता है वह भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CNR नंबर कुछ इस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला इसलिए किया हुआ है ताकि इसकी गोपनीयता बनी रहे केस की। दोस्तों यहाँ पर आपको तमाम प्रकार की जानकारी मिल जाती है। जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको भी कुछ इस प्रकार से इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस डेट में अभी यह केस लगा है, क्या इसका केस का डिसीजन है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग इसकी 3/6/2020 थी, और डिसीजन इसका हुआ है 3/6/2020 को, और आपका इसका नेचर ऑफ डिस्पोजल, मतलब आपके केस में क्या हुआ है यहाँ पर, तो ऑर्डर पास्ड अलाउड, मतलब आपको जमानत दे दी गई है। कुछ इस प्रकार से आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको इसके सारी जानकारी मिलेगी कि QR कोड, अगर आप इस केस का जानना चाहते हैं भाई, इसमें आपका कौन एडवोकेट है, कौन है रिस्पॉन्डिंग एडवोकेट, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक्ट्स क्या लगे हैं इस केस में भाई भी आपको जानकारी मिल जाएगी। FIR डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यदि इसमें जो भी जजमेंट हुआ है उसकी भी यदि आप कॉपी चाहते हैं तो सबसे नीचे रहता है फाइनल ऑर्डर एंड जजमेंट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी ऑर्डर की कॉपी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो एक तो तरीका ये है कि आपको केस नंबर पता हो तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। हम वापस बैक होते हैं। उसके बाद में सेकंड आपको ऑप्शन मिलता है पार्टी का। यदि आपको पार्टी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट आपको यहाँ पर पार्टी का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि किसके नाम से आपका केस है। उसके बाद में किस साल का वह केस है उसको भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में केस का स्टेटस क्या है, मतलब वह केस पेंडिंग है, मतलब अभी वह केस चल रहा है, या वह केस जजमेंट हो चुका है उस केस में, और अब वह केस हो चुका है डिस्पोज, आपको ऐसे केस का स्टेटस देखना है। यदि आप बोथ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेंडिंग और डिस्पोज दोनों प्रकार के यहाँ पर आपको केस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और आपको फिर करना
करना है, गो पर क्लिक। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अगर पक्षकारों के नाम से सर्च करते हैं तो आपको अधिकांश प्रॉब्लम रहेगी, केस नंबर ही ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद में आपको फाइलिंग नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप फाइलिंग नंबर से भी सर्च करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हर किसी को सीएनआर नंबर या फाइलिंग नंबर पता नहीं होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होता है जो कि केस नंबर कहलाता है। यदि आप मेरी सलाह माने तो आपको केस नंबर से ही आपको अपने केस को सिलेक्ट करना चाहिए। यदि आपके पास फिर फाइलिंग नंबर या सीएनआर नंबर है तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है जो है एफआईआर नंबर का, तो ये तो आपको क्रिमिनल केसेस की स्टेटस जानने में अप्लाई होगा, लेकिन अगर आपका केस है सिविल प्रकृति का तो यहाँ पर आपको फिर केस नंबर ही चाहिए पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन मिलता है एडवोकेट का। एडवोकेट के नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट तो बहुत से केस लड़ते हैं, अगर आप उनके नाम से सर्च करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसके बाद में एक्ट्स हैं और बहुत से यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पर हमें आवश्यक थे वह हमें केस नंबर पार्टी के नाम से हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमें कॉज लिस्ट मिलती है। कॉज लिस्ट दोस्तों यहाँ पर यह आपके काम की नहीं होती है, यह तो वहाँ पर जो वकील हुए या कोर्ट्स एम्प्लॉयज हुए उनके वर्क की होती है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको केस को अपने सर्च करना है। दोस्तों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है और अगर आपको समझ में आया कि ई कोर्ट का जो ऐप है आप इस पर वर्क कर सकते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।